हेलो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है वो निमसेट 2020 टारगेट स्टूडेंट के लिए है। 21-22 के लिए मैं बिल्कुल इमीडिएटली लूंगा। अब सुनिए, पहले सबसे पहले कुछ एक चेंजेस जो मैंने आपको जुलाई प्रिपरेशन में बताए थे उसमें क्या चेंजेस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, आप लोगों ने जो रेगुलर डाउट भेजे हैं वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। नंबर वन कि क्लास में जो जो चीज़ें कवर हो चुकी, क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट रेगुलर जुड़ते जा रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें कवर हो चुकी हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ्स का पार्ट है, बाइनोमियल थ्योरम मैथ्स का पार्ट है। बट मैं आप लोगों को बोलूंगा जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, क्योंकि रोज नए स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं, सभी जो 2020 के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैं बोलूंगा अगर आप बैकअप में कुछ करना चाहें तो क्वाड्रेटिक पहले कर लें, बाइनोमियल बाद में कर सकते हैं, नंबर सिस्टम बाद में कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक का क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होता है इसलिए क्वाड्रेटिक पहले कर लें। दूसरा, क्वाड्रेटिक के आपको जो टेस्ट भेजे हैं आपने देखा होगा कि अभी टेस्ट के लेवल बढ़ते जा रहे हैं, तो इन टेस्ट के लेवल इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि अब आपको हर लेवल पे तैयारी करनी है। कोर्स पूरा अपडेटेड है, तो वो अपडेटेड कोर्स के 4 फोल्डर्स आपके पास हैं जो आपको पता अच्छे से। टॉपिक वाइज पहले तो आपको फाउंडेशन पढ़ना है, फिर मेंस लेवल, फिर एडवांस लेवल और फिर निमसेट वाले जो क्वेश्चन है वो सब डिस्कस किए हुए हैं। तो ये बहुत प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से चीजें करनी है। बट आप सबको सबसे पहले बोलूंगा कि सबसे पहला काम है आपको फाउंडेशन कोर्स को कवर करना, और उसी टॉपिक को, ये इसी टॉपिक को 3 लेवल पे कवर किया गया, इसी टॉपिक को पहले आपने फाउंडेशन कोर्स में कवर किया, फिर आप मेंस लेवल पे कवर करें, फिर एडवांस लेवल पे कवर करें, लेकिन पहले फाउंडेशन कवर करें और प्रीवियस टॉपिक जो हो चुके हैं पहले उसमें कम पढ़ें, पहले करंट टॉपिक पे वर्क करें, क्योंकि आपको इसके टेस्ट पेपर रेगुलर मिल रहे हैं और इस बार हम क्लास की शीट भी आपको दे रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा आपके पास स्कोप बढ़ता जा रहा है। अभी करेंटली क्लास में एपी जीपी एचपी यानी प्रोग्रेशन स्टार्ट हुआ है और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी बाद में होगा। अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 15 डेज चलेगा जो अभी स्टार्ट हुआ ट्यूसडे से, और प्रोबेबिलिटी 15 दिन के खत्म होने फिर 15 दिन प्रोबेबिलिटी चलेगा। ये टॉपिक पहले इसलिए स्टार्ट किए, पहले मेरा एंड था कि एंड में करवाऊं, पर आप लोगों में से कुछ लोग चाहते थे कि लॉजिकल रीजनिंग भी साथ में पढ़ाया जाए, और लॉजिकल रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पीएनसी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मैथमेटिकल टॉपिक भी है, लॉजिकल टॉपिक भी है, और इसके क्वेश्चन हर जगह काम आते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से आप फंडामेंटली या कंसेप्चुअली स्ट्रांग होते हो, इसलिए हमने ये पहले थोड़ा सा चेंज करके यही एक चेंज किया कि ये स्टार्ट किया। यानी अभी लगभग आप मान के चलिए कि लगभग 15 अगस्त तक प्रोग्रेशन, प्रोबेबिलिटी और एक्सपोलॉग, एक्सपोनेंशियल सीरीज और लॉग सीरीज, ये चीजें कवर होंगी। इसलिए आप सब लोग जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको केवल यही पढ़ना है, जो न्यू स्टूडेंट हैं जो 2020 को टारगेट कर रहे हैं वो लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक एंड पे कर लें, बाइनोमियल नंबर सिस्टम धीरे धीरे कवर करते चलें। दूसरा, नए स्टूडेंट ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि कई बार बच्चों से मेरी बात नहीं हो पाती तो जो हमारे पास क्वेश्चंस आए कि पढ़ना कैसे चाहिए, तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, पढ़ें आप बिल्कुल वैसे जिस तरह से हम कोशिश करते हैं एकेडमी पढ़ाने के लिए। इसलिए अब सभी ऑनलाइन स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ कि अगर आपको पढ़ाई को लेकर प्रॉब्लम आती है तो आप एक वीक के लिए आ जाएं या समझें क्या करना है। सबसे पहले सारे वीडियोस को एक साथ नहीं देखना है। आप याद रखिए कि अगर आप 2 आवर्स का वीडियो देखते हैं तो उसके ऊपर एटलीस्ट 4 आवर की सेल्फ स्टडी भी लगेगी, जब जाके वो 2 घंटे का जो देखा है वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, यानी 2 आवर के वीडियो के साथ 4 आवर का प्रैक्टिस सेशन। तो आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं, अब 2 कंडीशन हो सकती है, अगर आप पास आउट हैं तो आपके पास 12 घंटे, तो आपको 2 2 आवर के 2 सेशन देखने और 4 4 आवर की स्टडी करनी। अगर आप फाइनल ईयर अपेयरिंग स्टूडेंट है तो केवल 2 आवर के एक सेशन के साथ भी आप साइमल्टेनियसली चलते चलें। दूसरा, सब कुछ करने की कोशिश ना करें, इसलिए मैं सेशन में बता रहा हूं कि जो निकल चुका है उसकी जगह पहले करंट टॉपिक पर वर्क करें, जिससे कि आपका पहले करंट टॉपिक पर परफॉर्मेंस आ जाए। स्टार्टिंग में हम छोटे छोटे टॉपिक रखते हैं इसलिए कि प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि इसके बाद मैं इस टॉपिक को खत्म करने आया ट्रिग्नोमेट्री, फिर कैलकुलस ये पढ़ाऊंगा जो मेजर पार्ट है, फिर 2D 3D ये सब। तो अभी आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास, 10 मंथ सफिशियंट होता है। धीरे धीरे कुछ टॉपिक पे ज़्यादा टाइम देना जरूरी होता है, एक बार जब कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाएंगे, फंडामेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा, फिर आप आराम से कई टॉपिक को जो कि 3-4 वीक में होते हैं उनको भी 1 वीक में कर सकते हैं, क्योंकि आप फाउंडेशन स्ट्रांग कर चुके हैं। तो सभी नए स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा कि आप बिल्कुल ना घबराएं, धीरे धीरे करें। दूसरा, आप हर 2 घंटे की, आप जैसे सपोज 1 घंटे वीडियो देखते हैं तो उसके बाद मैं आपको सजेशन दूंगा कि कम से कम उसके ऊपर 1-2 आवर की सेल्फ प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके लिए आप चाहो तो आरडी शर्मा की सब्जेक्टिव बुक पहले सॉल्व करो। याद रखिए, जब आप फाउंडेशंस कोर्स के वीडियो देख रहे हैं तो आपको सब्जेक्टिव बुक करनी है, और जब आप फिर
हायर लेवल पे वीडियो देखते ही नहीं टॉपिक के जब आपको ऑब्जेक्टिव बुक करनी है, यानी ये भी एक पैटर्न होता है। और जब तक सब्जेक्टिव बुक अच्छे से ना हो आप ऑब्जेक्टिव बुक पे ना जाए। पहला ये रूल याद रखें, फाउंडेशन जिसका स्ट्रांग होता है वो कुछ भी अच्छे से अच्छा कर सकता है। दूसरा, मैंने हर चीज को बहुत बेसिक जीरो लेवल से पढ़ा है, इसलिए कितने सारे नॉन मैथ स्टूडेंट आज जुड़े हुए हैं और उनको ऑनलाइन कोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं जाती। इनफैक्ट लास्ट ईयर ऑल नॉन मैथ्स वाले बच्चों ने टॉप परफॉर्मेंस करके NIT त्रिची, सूरतकल, वारंगल, ये सब अच्छे अच्छे कॉलेज लिए। मैं आपके इनके सेशंस भी अब धीरे धीरे फिर से शेयर करूंगा, अभी रोक दिए थे। तो आप जब उनकी स्टोरी सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कोई भी ऐसा नहीं जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे मैथ्स जिसका बहुत अच्छा हो पाता है, क्योंकि नॉर्मली जब हम BSc या BCA कर रहे होते हैं तो 11th-12th का मैथ्स से टच हट जाता है। तो आपका इससे फर्क नहीं पड़ता 11th-12th में मैथ्स है या नहीं है, बस ये होता है कि 11th-12th में अगर मैथ्स है तो एक बार पढ़ी होती है, नहीं तो आप मैथ्स नहीं है तो हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं। तो आप हर कोई भी चीज का समझ में ना आए तो आप उसको 2 times देखिए, 3 times देखिए, पर ट्राई करिए। और जैसे यहां पर हम लोग करते हैं कोशिश, ट्राई करिए, जैसे 8-10 क्लास है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, तो आपने 2 घंटे इसी टॉपिक का वीडियो देखा फिर प्रैक्टिस करी, या इवनिंग में 4th पर ये क्लास अल्टरनेट्स, मतलब आपको रेगुलर नहीं करना, धीरे 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 कवर करना। ऐसे ही इवनिंग टाइम में जैसे PNC पढ़ाया गया, तो होता यह कि वैसे ही आप भी पढ़ते हुए चले कंफ्यूज हुए बिना और हर टॉपिक पे कमांड करते चले। दूसरा, आपने एक और बात बोली थी कि सर पुराना भूल रहे हैं। पुराना हम जब भूलते हैं जब उसका रिवीजन नहीं करते। तो सोने से पहले हो सके तो आधे घंटे का एक रोज का रूटीन डाल लो कि जो टॉपिक हो चुके हैं उनको आप रिवाइज करें। इसके अलावा जो अब तक टेस्ट दे चुके हैं उनको भी रेगुलर प्रैक्टिस करें। जब उनको बार बार सॉल्व करेंगे तो आपका स्पीड परफॉर्मेंस दोनों आना चालू होगा। इसलिए इनिशियल लेवल पे एकदम आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, वो धीरे धीरे आएगी। तो आप बिल्कुल पॉजिटिवली पढ़ाई करिएगा। ये लगभग मैंने आपको 1 month का एक आइडिया दे दिया कि अभी अगले 1 month में ये चीजें आपकी करनी है, एक प्रोग्रेशन, एक एक्सपो, एक लॉग, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। अब आप इसको अपने लेवल पे धीरे धीरे करते चलिए। अगर आपका ये टॉपिक स्ट्रांग है तो 15 दिन की जगह 1 week में कर लीजिए, अगर वीक है तो 15 दिन की जगह 21 दिन भी ले लीजिए। एक आइडियल टाइम मैंने आपको 15 दिन बताया। ये थोड़ी सी ऑनलाइन में एक चीज याद रखना है कि आपके डिसीजन होने चाहिए और सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी। सेकेंड एंड पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, डिटरमिनेंट, मैट्राइसेस, ऐसे टॉपिक्स भी आप कवर कर सकते हैं। तो ये करते चलिए, बिल्कुल परेशान मत होइए, पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत कॉन्टेक्ट करिए। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दें, कई बार बात नहीं हो पाती। मैं हमेशा इसलिए सेशन लेता रहता हूँ कि जो आप लोग क्वेश्चन पूछते हो मैं कोशिश करता हूँ कि थ्रू सेशन में आपका रिप्लाई करूँ। थैंक यू एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट।